I'm alive. पूनम पांडे ने सर्वाइकल कैंसर के नाम पर इतनी ज्यादा भद्दी हरकत की कि लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जहां आम जनता पूनम को यहां ऐसी चीप पब्लिसिटी पाने के लिए जमकर गालियां निकाल रही है, तो वहीं वो सब सेलिब्रिटीज जिन्होंने पूनम के यूं गुजर जाने पर दुख जताया था, उनका भी गुस्सा फूट रहा है। आपको बता दें, बॉलीवुड गलियारों में पूनम की इस फेक पब्लिसिटी पर खूब चर्चा हो रही है, जहां लोग कह रहे हैं कि पब्लिसिटी के लिए पूनम की ये हरकत बेहद ही गलत थी। फिलहाल आप हमें जरूर बताइएगा कि आप क्या कह रहे हैं इस पर, जब पूनम ने की है ऐसी पब्लिसिटी। हालांकि चर्चा जरूर सर्वाइकल कैंसर की जमकर हुई, लेकिन पूनम पांडे की तरफ से की गई ये हरकत लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। वेल, इसी बीच आपको बता दें, पूनम पांडे को लोग तो ट्रोल कर ही रहे हैं, इसी के साथ साथ उनकी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने भी उन्हें यहाँ ट्रोल करना शुरू कर दिया है। इसी बीच सबसे पहले बात करें अली गोनी की, तो अली गोनी ने इसे काफी ज्यादा चीप पब्लिसिटी बताया। अली ने अपनी स्टोरी में इसे पोस्ट करते हुए लिखा, फकिंग चीप पब्लिसिटी स्टंट, इट वाज नथिंग एल्स, यू गाइस थिंक इट्स फनी, यू एंड योर पीआर टीम शुड बी बायकॉटेड, आई स्वेयर, ब्लडी लूजर्स, एंड टू ऑल द मीडिया पोर्टल्स, वी पीपल हैव ट्रस्ट यू, दैट्स व्हाई वी बिलीव्ड इट, शेम ऑन यू। तो वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस ज़ैन खान ने लिखा, This is plain disgusting. I was shocked and heartbroken yesterday. Today I'm shocked at the lengths to which some people can sink. Zen ne aage likha, What an utterly selfish thing to do. And what a brilliant way to make sure that the conversation centers not cervical cancer, but instead her and her antics. I never want to hear her name again. तो एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष लिखती हैं, सम फाइंड इट फनी टू यूज सच अनवारंटेड एंड इनसेंसिटिव अप्रोच इन द नेम ऑफ सो कॉल्ड अवेयरनेस, पीपल सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर गो थ्रू लिविंग हेल एंड सम फाइंड इट एंटाइटल्ड टू यूज इट फॉर पीआर, सैड स्टेट। तो वहीं इसी बीच एकता कपूर ने भी अपनी बात को कहते हुए अपनी स्टोरी के जरिए एक स्टोरी पोस्ट की, जहां उन्होंने लिखा, Let's all take a pledge to not use the company that has used this campaign to sell their vaccine. Well, जहां बॉलीवुड गलियारों में इस वक्त गुस्सा भी है और वहीं लोगों के बीच भी इस बात का गुस्सा है कि बहुत ही गंदे तरीके से और बहुत ही चीप पब्लिसिटी के जरिए सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस पर बात करने की बात पूनम ने करी है। हालांकि पूनम की एक इंटरव्यू जो कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही दी थी, उसमें मैडम ने ये बात साफ कह दी थी कि वो कुछ ऐसा सरप्राइजिंग करने वाली हैं कि लोगों को जोर का झटका जरूर लगेगा। बस यही था वो जोर का झटका जिसके बारे में पूनम पांडे बात कर रही थी। मैडम ने इस इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया था कि जब भी लोग उनके बारे में सोचते हैं कि वो सुधर रही हैं, तो वो हमेशा कुछ ऐसा बड़ा कर देती हैं जिससे लोग शॉक हो जाते हैं। यही नहीं, निकी तंबोली ने भी पूनम पांडे को यहाँ पर ट्रोल किया, एब्सोल्यूट चीपनेस, इट्स डिसहार्टनिंग टू विटनेस द डेप्थ्स Some individuals will sink to for a momentary spotlight. Faking one's death, especially in the context of a serious illness like cancer, is not just tasteless, but downright disrespectful. It trivializes the very real struggles that millions face worldwide and breaks the trust of those who genuinely care. Let's not reward such attention-seeking behavior with our attention. आगे निकी ने लिखा, this is a mockery of a genuine suffering and a slap in the face who have battled or are battling such conditions. This shameless stunt is a stain on their character and the teams responsible should be held accountable for the shameful actions. Well, आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर लिख बताइएगा। एंटरटेनमेंट डेस्क से हलीन कौर, पंजाब के सीटीवी। बॉलीवुड इंडस्ट्री की हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर तड़का बॉलीवुड को करें सब्सक्राइब।